बीते वर्ष 2021 की तुलना में इस वर्ष गेहूं चने की फसल काफी अच्छी स्थिति में है। आगे भी मौसम अच्छा रहा तो बंपर उत्पादन की संभावना बन रही है। उज्जैन जिले में रबी की फसल का क्षेत्रफल बीते वर्ष की तुलना में काफी बड़ा है। इन फसलों में गेहूं, चना, सरसों शामिल है। फसलों की जानकारी देते हुए कृषि विभाग के उप संचालक आरती एस रायक ने बताया कि बीते वर्ष 21 की तुलना में इस वर्ष 22 में गेहूं की फसल का क्षेत्रफल बढ़ाकर 3,90,000 हेक्टेयर किया गया है। वहीं चने की फसल का क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया है। इस बार चने की फसल 50,000 हेक्टेयर जमीन पर बोई गई। वहीं सरसों की फसल का क्षेत्रफल बढ़ाते हुए 3,000 हेक्टेयर किया गया। यह आंकड़े बीते वर्ष की तुलना में काफी अच्छे हैं। वर्तमान परिस्थिति के आधार पर देखा जाए तो इस बार बीते वर्ष की तुलना में फसल अच्छी रहेगी। वहीं अच्छी फसल को लेकर मौसम का भी काफी प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा ही मौसम आगे भी रहा तो फसल काफी अच्छी होने की संभावना है। इस बार जो है, इस वर्ष रबी के मौसम में गेहूं जो हमने प्रस्तावित किया है, लगभग 3,90,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है इस बार, और इसी तरह चने की लगभग 50,000 हेक्टेयर के लगभग पूरे जिले में चने की बुआई हुई है। हमारा जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सरसों की फसल में एरिया बढ़ाने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया। लगभग 3,000 हेक्टेयर के लगभग जिले में सरसों की फसल है। इस तरह टोटल जो है 4,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र अपने जिले में क्षेत्राच्छादन रबी फसलों से हुआ है। और अभी तक मौसम की स्थिति के अनुसार तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लास्ट में पानी बिगड़ गया था तो कुछ किसान भाइयों ने गेहूं का क्षेत्र भी बढ़ाया है। तो अभी तक ओवरऑल हमारे ज़िले में गेहूं की फसल भी अच्छी है। ये अभी जो विगत दिनों ओलावृष्टि हुई है तो ये कुछ क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छी गेहूं, चना, सरसों की फसल बहुत अच्छी है और उत्पादन अच्छा आने की संभावना है इस वर्ष।